मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निधि संग्रह अभियान के अंतर्गत अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण हेतु विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री विनायक राव देशमुख को 1,00,000 रुपए का चेक प्रदान किया। इस दौरान शिवराज ने कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि उनके परिवार के नाम से भी एक ईंट राम मंदिर निर्माण में लगेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 1,00,000 का चेक दिया। इस दौरान शिवराज ने कहा कि उनके जीवन का यह सौभाग्यशाली दिन है। श्री राम हमारे भगवान हैं, यह राम मंदिर नहीं राष्ट्र का मंदिर है। उन्होंने कहा, राम हमारे अस्तित्व हैं, राम के नाम से ही भारत की पहचान है। यह सौभाग्य की बात है कि राम मंदिर निर्माण का कार्य जन सहयोग से हो रहा है, जिसके कारण सबको मंदिर निर्माण में सहयोग देने का मौका मिल रहा है। आज का दिन मेरे जीवन का सबसे सौभाग्यशाली दिन है। ऐसा लग रहा है जैसे मानव जीवन सफल हो गया, सार्थक हो गया। भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण में एक ईंट हमारे परिवार की भी लगेगी। राम मंदिर नहीं, सचमुच में राष्ट्र मंदिर है। राम हमारे अस्तित्व हैं, राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे प्राण हैं, राम हमारे भगवान हैं और राम श्री राम जी भारत की पहचान है। बिना राम के ये देश नहीं जाना जा सकता। राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं और ये सौभाग्य है कि अब भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण जन सहयोग से प्रारंभ हो रहा है और उसमें गिलहरी की तरह अपना योगदान देने का भी हमें सौभाग्य मिला। राम मंदिर निर्माण को लेकर विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री विनायक राव देशमुख ने बताया कि मंदिर निर्माण के लिए धन का संचय किया जा रहा है। मंदिर का निर्माण जन सहयोग से किया जाएगा, जिसकी जानकारी घर घर जाकर दी जाएगी। आज सारे हिंदुस्तान में श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र के द्वारा मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान का प्रारंभ ये हो गया है और मध्य प्रदेश के इस सारे अभियान का प्रारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए निधि समर्पण के द्वारा शुरू हो गया, इसलिए मैं आनंद व्यक्त करता हूँ। सारे भारत में एक जबरदस्त माहौल है। लगभग 5,00,000 से ज़्यादा गांवों के 13 करोड़ से ज़्यादा परिवारों में आगामी इस एक महीने में ये संपर्क किया जाएगा। प्रचार के लिए सारे देश में जो हमारी बैठकें छोटे बड़े कार्यक्रम हो गए, तो एक बहुत जबरदस्त उत्साह का माहौल सारे हिंदुस्तान में है। लोगों का हमारे अपेक्षा से भी ज्यादा ये रिस्पॉन्स है। हम सब मानते हैं कि राम मंदिर का निर्माण ये राष्ट्र मंदिर का निर्माण है। भगवान राम जिन्होंने सामाजिक समरसता के लिए, महिला सम्मान के लिए प्रयत्न किया, तो वैसा ही भाव सारे समाज में निर्माण होगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।